के अलावा हम देखते हैं कि सती प्रथा, कि सती प्रथा भारतीय समाज की एक परंपरा थी जिसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। बाल विवाह, बहु विवाह या विधवा विवाह, भारतीय जो समाज है उसमें विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी, है ना। तो इनको सामाजिक जो कुछ हालांकि कितने भी सामाजिक कुरीतियां थी, लेकिन जो तत्कालीन समाज था वो तत्कालीन समाज ये समझा कि अंग्रेज है वो हमारे समाज के आंतरिक जो हमारी जो व्यवस्था है उसको तोड़ना चाहता है, उसको बदलना चाहता है और हमें पथ भ्रष्ट करना चाह रहा है। इसलिए जो तत्कालीन जो समाज था उसने अंग्रेजों के इस प्रयास को अपने विरुद्ध एक कदम माना और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया कि अंग्रेजों की जितनी भी राजस्व की मूल्य थी उन जैसे स्थल बंदोबस्त ले लो, रेल वाली व्यवस्था ले लो, महल वाली व्यवस्था ले लो, सबकी सब व्यवस्थाओं में अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक कर वसूल किया जाए, अधिक से अधिक टैक्स वसूल किया जाए, उसके एवज में भारतीयों को कुछ नहीं किया जाए। भारतीय जनता की क्या दुर्दशा है, अकाल महामारी अतिवृष्टि अनावृष्टि, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। भारतीय जनता के साथ उनकी कोई भावना ही नहीं थी, उनका एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक टैक्स। ठीक है, तो भारी टैक्स लगा दिए गए थे। राजस्व जो संग्रह था उसके कठोर नियम थे, सूर्यास्त के नियम, अगर सूर्यास्त तक कोई भी राजस्व या टैक्स नहीं देता था तो उसकी भूमि को नीलाम कर दी जाती थी। तो इन कठोर नियमों की वजह से भारतीय किसान है वो अपने बच्चों को गिरवी तक रख देते थे सेठ साहूकारों के वहां पे, और वहां से उधार के पैसे ला करके ब्रिटिश सरकार के टैक्स उतारे थे। तो इन जो कठोर जो राजस्व संग्रह के जो नियम थे इससे जनता है निर्मला होती थी और किसान और जमींदार दोनों में असंतोष व्याप्त था। इसलिए 1857 की क्रांति में इन लोगों ने विद्रोह किया। और इसके अलावा जैसे औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी और भारतीय जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था और ब्रिटेन में मशीनों से निर्मित जो सूती वस्त्र थे उनको रेल के द्वारा भारतीय बाजारों में पहुंचा दिया जाता था, जिससे कि भारत का जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है वो नष्ट हो चुका था। तो भारतीय जनता है वो बेरोजगार हो गई थी। तो इन औद्योगिक क्रांति और कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार बना दिया था। तो ये आर्थिक कारण थे जिसके कारण से भारतीय किसान, भारतीय जमींदार और भारतीय जनमानस है वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। इसके अलावा अगला कारण है सैनिक कारण। जैसा कि हमने बताया कि 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है वो सेना के द्वारा की जाती है। मैं से मई 1857 में सैनिकों के द्वारा सबसे पहले ये विद्रोह किया जाता है। इसलिए आगे हम इसके अपने स्वरूप पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था उसके अंदर हम एक कारण मानते हैं कि 1857 की क्रांति वो मात्र एक सैनिक विद्रोह थी, लेकिन 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो सेना के द्वारा हुई। क्यों हुई? 1857 की क्रांति में के समय हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें 87% भारतीय थे, 87% भारतीय सेना थी, लेकिन भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव व्यवहार किया जाता था। भारतीयों को सूबेदार के पद से ऊपर उनका प्रमोशन नहीं होता था और एक ही पद पर भारतीय और अंग्रेज होते थे, लेकिन दोनों की जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वेतन था उसमें है जमीन आसमान का फर्क होता था। भारतीयों के लिए अलग मेष और अलग रहने की व्यवस्थाएं होती थी, उनके साथ जो है वो काफी दुर्व्यवहार किया जाता था। और इसके अलावा 1856 में जो कैनिंग आता है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कैनिंग एक न्यू स्थापित करता है कि आज के बाद भारतीयों को है वो संपूर्ण जो ब्रिटिश साम्राज्य है संपूर्ण विश्व में वहाँ कहीं पर भी उनको भेजा जा सकता है, अर्थात उनको भारत से बाहर भी सेवाएं देनी अनिवार्य होगी। इसका भारतीय सैनिकों ने बहुत विरोध किया क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसी मान्यता थी कि सात समुद्र पार करके कोई जाता है तो वो धर्म के अनुसार पथ भ्रष्ट माना जाता है, वापस आने पर उनको उसके परिवार समाज और धर्म में उसको कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा जैसे भारतीय जो समाज है उसमें विभिन्न धर्म संप्रदाय और वर्ग है जो कि अपनी धर्म और जाति के अनुसार अपने चिन्ह है वो पहनते थे। जैसे मुस्लिम है वो पगड़ी पहनते थे, हिंदू है वो तिलक करते थे, ऊंचे रहते थे, दाढ़ी रहते थे। तो ये सभी जो जातीय चिन्ह है
वो अंग्रेजों ने सब खत्म कर दिए थे, सबके लिए दाढ़ी बनाना, शेविंग करना, वो वापस नहीं कर दी थी। तो ये सब इन चीजों का भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। तो ये सैनिक भारत के लिए, इसके बाद हमने देखिए तत्कालीन काल में हम देखते हैं कि जो पुरानी जो राइफल थी ब्राउन टेज, उनके जगह एक नई राइफल एनफील्ड राइफल लेके आए थे सेना के अंदर। और उस राइफल में जो कारतूस डाला जाता था, उस कारतूस की जो ऊपर का जो कवर था, जो टोपी थी, उसको दांतों से हटाना पड़ता था, ठीक है। और उस जो कारतूस था, उस कारतूस के अंदर जो कृषि का काम है, वो कृषि की जगह गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ऐसी दुर्भावना सेना में फैल गई थी, सैनिकों में ये भावना फैल गई थी कि जो नई राइफल है उसके अंदर जो कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, उस कारतूस के अंदर सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है और इसको हमें दांतों से खोलना पड़ता है। अर्थात गाय है जो हिंदू धर्म में पूजनीय मानी गई है और सूअर है जो मुस्लिम धर्म में पूजनीय माना गया है। अतः हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध है वो विद्रोह का हमला बुलंद कर दिया और अंग्रेजी सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया। तो इन कारणों के कारण से हमने देखा कि कथन सकता हूँ कि क्रांति की शुरुआत होती है। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि 1857 की क्रांति को एकाएक हुई, 1857 की क्रांति के बीच 1856 में क्लासिकल युग से ही शुरू हो जाते हैं और इस विद्रोह को अंतिम परिणति तक पहुंचाने में भारतीय लोगों को 100 साल लग जाते हैं। और 100 साल तक आते आते भारतीय जो जनमानस है, सिपाही है, किसान है, जमींदार है, जनसाधारण लोग है, वो सबके सब एक भारतीय लोग है, वो अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी व्यवस्थाओं से, उनकी जो नीतियों से तिलमिला होते हैं और उनके विरुद्ध विद्रोह के लिए आतुर हो जाते हैं। इसीलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, इसकी व्यापकता को देखते हुए और इसके जनमानस की भावना